बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया, जातिवाद को मिटाना है, फिजूल की बातों का जवाब नहीं देता, स्कूलों में रामायण और गीता महाभारत का विषय शामिल करना होगा, भारत में शामिल नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। राष्ट्र की बात अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की, हिंदू राष्ट्र मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को स्थान देने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद को मिटा देना। हम इन भाई साहब को जानते नहीं हैं, तो बाहियात बातों पर हम जवाब नहीं हसन मदनी ने भी बोला है महाराज 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 हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले गद्दार नहीं है, तो मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करने वाले गद्दार नहीं है। भारत के आप भारतीय हो, आप हिंदू हो, आप अपना हित और सर्वजनहित आप पूरे संसार का कल्याण चाहते हैं, आप चाहते हो कि कुरूतियां मिटे, तो हिंदू राष्ट्र क्या महाराज स्कूली शिक्षा में भी रामायण और महाभारत को शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये भारत में नहीं होगा तो कहाँ शामिल होगा पाकिस्तान। और हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जब से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है, तब से विरोध के स्वर कहीं ना कहीं तेज होते नजर आ रहे हैं। कई जगह पर हमने देखा कि कथाओं का विरोध किया गया, मामला दर्ज कराया गया। अब तस्वीर हम जिस तरह से देख रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि सीमी और PFI की तरह जिस तरह बैन किया गया है उन्हें, और इसको भी बैन करना चाहिए। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब से बागेश्वर धाम की तरफ से ये बात कही गई कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसको लेकर उनके पास जो जन समर्थन है वो भी उन सभाओं में देखने को मिलता है, लेकिन जो दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस मांग को गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं, जिस तरीके से खुद जो दो मौलानाओं का बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिमी या दूसरे जो संगठन हैं वो अगर इस्लाम को, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात करते हैं या इस्लाम के बढ़ावे की बात करते हैं, तो ऐसे में जब उन पर बैन किया सकता है तो बाबा की कथाओं को बैन क्यों नहीं किया जाता है? लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये संगठन जो है वो न केवल अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है। इस्लाम के कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार अपने धर्म प्रचार के लिए चल रहे हैं और वो अभी भी लगातार संचालित हो रहे हैं देश में, लेकिन जो इस्लामिक संगठन यदि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा तो उसको बैन भी किया जाता है और जाता रहा है, क्योंकि संविधान इसका अधिकार देता है। रही बात जहां तक है बाबा बागेश्वर धाम की, तो लगातार वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उनकी इस बात को न केवल राजनीतिक दलों के लोग समर्थन करते हैं बल्कि जो आम जनता है वो भी समर्थन करती है। कई बार राजनेताओं ने भी उनकी बात का खुला समर्थन तौर पर किया कि जिस तरीके से भारत जो है वो हिंदू के बहुसंख्यक राष्ट्र है और ऐसे में वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हालांकि संवैधानिक तौर पर ये देश संविधान से चल रहा है और इस तरह की बात भी कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन BJP के लोग भले ही खुलकर सामने नहीं बोलते हो लेकिन ये बाबा के इस बात का समर्थन भी करते हैं। और लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि जिस जिस राज्य में वो गए हैं, जहां कांग्रेस या उनके साथियों की सरकारें हैं वहां बाबा का विरोध होता है, लेकिन जहां BJP की सरकार है वहां लोग उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने खुद ये आज कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई गलत नहीं है और हिंदू राष्ट्र का मतलब वह किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जाति धर्म को मिटाने की। इसके साथ ही जिस तरीके से भगवद गीता या दूसरे अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाए जाने की जब बात कही गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये धर्म ग्रंथ हिंदुओं के धर्म ग्रंथ और हिंदुस्तान में अगर नहीं पढ़ाए जाएंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाए जाएंगे। इस तरह की बात जो है वो लगातार की जा रही है। भले ही आपके पास लौटूंगी खास चर्चा के लिए, हमारे साथ अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी बहुत स्वागत है आपका News 18 MPCG में। बाबा जी ने जब से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है, विरोध तो देखने को मिल ही रहा है, अब जो है इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से PFI और सिमी काम करता है उस तरह से ही बाबा काम करते हैं, इन्हें बैन करना चाहिए जैसे PFI सिमी बैन है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इन मामलों में राजनीति नहीं करती है। स्पष्ट तौर पर सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति विवादित बयान दे रहा है किसी भी धार्मिक व्यक्ति या संस्था के खिलाफ,
तो ये निश्चित ही कानूनों का उल्लंघन है और इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई की, क्या जांच की, या आगे के लिए बागेश्वर महाराज या उनकी संस्था की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन दुखद पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन मुद्दों में राजनीति देखते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। अजय जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस गुटों में बटी है, क्योंकि कोई राज्य के नेता कुछ बोलते हैं, कोई राज्य के नेता कुछ बोलते हैं। अब झारखंड के विधायक साहब को ले लीजिए, वो खुला विरोध कर रहे हैं बाबा के कथाओं का विरोध कर रहे हैं। आखिर किस तरह से देखा जाए, एकजुटता तो दिखाई नहीं देती है, सबके अलग अलग बयान। मैंने आपसे पहले भी कई बार स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है। राजनीति धर्म के आधार पर हम नहीं करते हैं। धर्म हमारी आस्था और विश्वास का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आस्थाएं होती हैं। राजनीति हम जनता के मुद्दों पर करते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। इस मामले में स्पष्ट है कि ये कानून का उल्लंघन है। अगर किसी भी धार्मिक व्यक्ति की मानहानि की जा रही है तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। और मेरा सवाल आपसे सीधा सवाल है कि क्या एकजुटता नहीं है? क्या आपकी पार्टी के कुछ नेता अलग बयान देते हैं, कुछ नेता अलग बयान देते हैं? बिल्कुल एकजुटता है। मैं आपसे इसीलिए 2-3 बार इस बात को कह चुका हूँ कि धार्मिक मुद्दे पे पार्टी का कोई स्टैंड नहीं होता है। धार्मिक मुद्दे व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्थाओं का मामला होता है। तो पार्टी लाइन से अलग होकर के बयानबाजी करना ठीक है क्या? या ऐसा माने कि कांग्रेस के जो नेता है वो हिंदू नेता अलग बयान देते हैं और जो मुसलमान भाई है वो अलग बयान देते हैं, ये माने हम? बिल्कुल नहीं देते। किसी ने कोई गला अलग बयान नहीं दिया है। हम सभी लोग बागेश्वर महाराज का सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी स्वयं बागेश्वर होकर आए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। और ये सरकार को इस मामले में बताना चाहिए कि अगर उनकी इस तरह की मानहानि करने के बयान जो दे रहे हैं उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस चाहती है ये जो देश यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बने, कांग्रेस चाहती है दिल से ऐसा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है और मेरा चाहने या नहीं चाहने का सवाल नहीं, देश चलता है संविधान से। अगर सरकार कुछ निर्णय चाहती है नहीं, तो कांग्रेस भी तो कुछ सोचती होगी ना, कांग्रेस का स्टैंड तो क्या है? संविधान में प्रावधान होंगे तभी तो कुछ होगा। अगर सरकार इस मामले में कोई दूसरी राय चाहती है तो सरकार संविधान संशोधन लेके आए। इस तरह के मुद्दों की इस तरह से सार्वजनिक डिबेट में चर्चा तो नहीं हो सकती है। जो संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो संविधान सभा में रखे जा सकते हैं या फिर संविधान संशोधन पे रखे जा सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को इतना हल्का मत करिए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपने सुना कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय सिंह यादव जी, वो स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, गुटों में क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है? कभी बात करते हैं हम एकजुट हैं, हम सब साथ हैं, हम भाई भाई हैं, फिर एक पार्टी लाइन से अलग चलकर बोलता है, एक पार्टी के साथ चलकर बोलता है। देखिए, अगर बात झारखंड के विधायक की भी छोड़ दे तो मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा दो ऐसे नेता थे जिन्होंने जब प्रारंभिक दौर पर जब ये बात शुरू हुई थी हिंदू राष्ट्र की, तब इन्हीं नेताओं ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोला था और बाद में खुद कमलनाथ जो है उनके बागेश्वर धाम जाकर उनसे मिलकर आए थे और उसके बाद इन नेताओं के सुर बदले थे। तो भले ही कांग्रेस ये कह रही हो कि ये व्यक्तिगत आस्था का है सवाल है, बात भी ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है और धार्मिक आस्था अपनी जगह होती है, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते, उसके प्रतिनिधि होने के नाते आपका एक स्टैंड भी होता है कि आप किस तरफ खेलेंगे, या आप विरोध करेंगे या आप उनके साथ में रहेंगे। लेकिन ये जो बयान है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बने या ना बने इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो साफ तौर पर जिस तरीके से खुद कमलनाथ ने भी ये कहा था कि संविधान के अनुसार ही ये देश चलेगा, धर्म की वो सम्मान करते हैं, उनमें उनकी आस्था है, तो एक ये जो बयान है ये लगातार कांग्रेसियों की तरफ से कहा जाता है कि धर्म में उनकी आस्था है लेकिन देश जो है वो संविधान से चलेगा, और संविधान से अगर देश चलेगा तो हिंदू राष्ट्र आखिर कैसे बनेगा। तो ये जो स्टैंड है वो लगातार कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के कई नेता जो है वो शुरुआती दौर में बाबा बागेश्वर धाम को इस हिंदू राष्ट्र को लेकर भी घेरते नजर आते रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।